सलय आए हैं पहला ओवर लेकर जैविक रॉयल्स के लिए। दूसरी बॉल पर एसवी स्ट्राइकर्स का खाता खुलता हुआ। आपको बता दें कि जैविक रॉयल्स ने टॉस जीता है और पहले क्षेत्र रक्षण कर रहे हैं। उठाकर खेला है, फील्डर वहां पर मौजूद हैं मिड ऑफ की दिशा में और उनके हाथ में एक आसान सा कैच। पहली सफलता मिलती हुई जैविक रॉयल्स को। रौनक हैज टू डिपार्ट। कोई खाता नहीं खोला था रौनक भाई और पहली गेंद पे आउट। नेक्स्ट बल्लेबाज रामो। ऑफ स्टंप के काफी बाहर से जाती हुई ये गेंद विकेट कीपर के हाथ में। अंपायर की तरफ से वाइड का इशारा हमें मिलता हुआ। नए बल्लेबाज आए हैं नमो। सामना कर रहे हैं सलय की बॉल का। जी हाँ, और नमो ने उठा के खेला है और जी हाँ बिल्कुल, दो प्लेयर आए, दोनों के प्लेयर कोई खाता खोले बिना अपनी पतन की ओर काफी अच्छा खेल रहे थे। और एक कॉमन बात यह है कि दोनों ही बल्लेबाज उसी दिशा में आउट हुए हैं, उसी फील्डर ने, यानी कि निर्भय ने ही दोनों कैच लिए हैं। गुड पीस ऑफ फील्डिंग निर्भय को कहना होगा जरूर, काफी अच्छे से बॉल को जज करके बॉल के नीचे आते हुए और बहुत अच्छे से उसे कैच करते हुए। काफी अच्छा खेल रहे हैं जैविक रॉयल्स के खिलाड़ी और एकदम चुस्त आत्मनिर्भर के साथ में जैविक रॉयल्स के खिलाड़ी काफी अच्छे मूड में। पहले ही ओवर में दो सफलताएं जैविक रॉयल्स को मिलती हुई निश्चित तौर पर उनके आत्मविश्वास को बहुत बढ़ाएगा। जी हाँ, ये गोल्डन ओवर हो सकता है और एसवी स्ट्राइकर्स के ऊपर पहले ही ओवर से प्रेशर बनता हुआ, दबाव बनता हुआ। अभी भी इस ओवर की दो बॉल्स बाकी है, देखना होगा इनमें क्या कोई और सफलता जैविक रॉयल्स ले पाते हैं। जैविक रॉयल्स काफी अच्छे खेल रहे हैं तो बिल्कुल निश्चित ही उनको विकेट मिलने की संभावना है। जी हाँ, और एक और सफलता मिलती हुई जैविक रॉयल्स को। बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, काबिले तारीफ। सीधे फील्डर के हाथ में गई जो फील्डर वहां पर मौजूद थे। तीसरी सफलता मिलती हुई एसवी स्ट्राइकर्स को। स्ले के गेंदों को सामना करना थोड़ा मुश्किल जा रहा है क्योंकि लगातार तीन विकेट फर्स्ट ओवर में बिना खाता खोले हुए तीनों खिलाड़ी अपनी पतन की ओर। जी हाँ, बिल्कुल। बहुत ही सक्सेसफुल रहा ये ओवर सलय का, भी एक बॉल और बाकी है और सलय ऑलरेडी हैट्रिक विकेट्स ले चुके हैं। हैट्रिक विकेट ऑलरेडी सलय को मिल चुकी है, बधाई के पात्र हैं सलय इस वक्त। तीन सफलताएं मिलती हुई जैविक रॉयल्स को। काफी अच्छा खेल रहे हैं जैविक रॉयल्स। तीसरी बॉल वाइड थी, तीसरी बॉल पर विकेट मिला था, फिर एक वाइड और उसके बाद चौथी और पांचवी बॉल पर सलय को फिर से दो विकेट्स मिले, तो दैट्स हाउ सलय हैज टेकन हैट्रिक विकेट्स। अंतिम गेंद इस ओवर की सामना करेंगे पारस जी चोपड़ा और संभल कर खेला इसे, पीछे की तरफ गई थर्ड मैन की दिशा में ये बॉल जाती हुई। एक रन मिलेंगे, लेग बाई का इशारा हमें मिलता हुआ अंपायर की तरफ से और ओवर की समाप्ति यहां पर।
पहला ओवर पूरा होने के बाद एसवी स्ट्राइकर्स ने बनाए हैं 3 रन और उन्हें 3 विकेट का नुकसान हुआ है। 3 झटके लगे हैं उन्हें पहले ही ओवर में। सलाय का बहुत ही सफल ओवर रहा ये पहला ही ओवर। जैविक रॉयल्स की टीम काफी चुस्त और खुश है क्योंकि एक ओवर में 3 विकेट बिना कोई रन बनाए। बिल्कुल, बहुत ही खुशी का माहौल है इस वक्त जैविक रॉयल्स खेमे में। 3 सफलताएं पहले ही ओवर में, जो कि निश्चित तौर पर दबाव बढ़ा रही है एसवी स्ट्राइकर्स के ऊपर। एसवी स्ट्राइकर को थोड़ा सावधानी पूर्वक खेलना होगा क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने 3 विकेट खो चुके हैं और रन सिर्फ 3 बनाए हैं। 3 विकेट 3 रन एक ओवर, तो काफी सावधानी पूर्वक खेलना होगा। बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा सावधानी बरतते हुए, बहुत ही ज्यादा एहतियात बरतते हुए इन्हें खेलना होगा। दक्ष लेकर आए हैं दूसरा ओवर जैविक रॉयल्स की तरफ से। फुल टॉस बॉल रही, इसे कट किया और वहां पर दौड़ते हुए 1 रन पूरा करने के लिए फील्डर्स वहां पर मौजूद। 1 रन जरूर मिला एसवी स्ट्राइकर्स के बल्लेबाज पारस जीत चोपड़ा को। जैविक रॉयल्स 1 रन देना भी नहीं चाहते थे क्योंकि वो कट हो गया, इस कारण रन चुरा लिया गया। दक्ष काफी सावधानी पूर्वक बॉलिंग कर रहे हैं, सीधा स्टंप पे। अंपायर की तरफ से इशारा हमें मिला है बाउंड्री चेक का। चलिए देखते हैं एक्शन रीप्ले में। कोई चौका नहीं, आदर्श काफी सावधानी पूर्वक खेल रहे हैं। जी हाँ, काफी बढ़िया ड्राइव लॉन्ग ऑन की दिशा में गई ये बॉल। फील्डर निर्भय वहां पर मौजूद और केवल 1 ही रन मिल पाया फिलहाल एसवी स्ट्राइकर्स के बल्लेबाजों को। बूंद बूंद से घड़ा भर रहे हैं एसवी स्ट्राइकर्स, एक एक रन के महत्व को समझ रहे हैं और एक एक रन निकाल कर अपने टीम को दे रहे हैं। और मिस फील्डिंग, शायद ये चौंका जा सकता है। जी हाँ बिल्कुल, चौंका। 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई बॉल डिवाइन फैबुलस 4 पारस जीत चोपड़ा के बल्ले से निकला हुआ ये शॉट। और चुस्त फील्डिंग जैक रॉयल्स के लिए, एकदम चुस्त फील्डिंग, काफी अच्छा चुस्त फील्डिंग कर रहे हैं जैक रॉयल्स के खिलाड़ी। बालों को बिल्कुल एकदम सटीकता से देख रहे हैं और सावधानी पूर्वक खेल रहे हैं। दक्ष की अगली बॉल सामना करेंगे पारस और बॉलिंग, दक्ष की बॉलिंग काफी सटीक, बहुत ही बढ़िया बॉल रही वहां पर। कोई रन नहीं उस बॉल पर, डॉट बॉल ये साबित हुई। और दूसरा ओवर पूरा होने के बाद एसवी स्ट्राइकर्स का स्कोर है 11 रन 3 विकेट के नुकसान पर।
एसवी स्ट्राइकर्स को थोड़ा रन बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने 3 विकेट खो चुके हैं। तो आने वाले ओवर में उनको रन रेट जो है तेज़ गति से बढ़ाना होगा और छक्का चौका की बरसात करना होगा, तभी जाके एक अच्छा स्कोर वो दे पाएंगे जेके वॉरियर्स के लिए। जेके वॉरियर्स फील्डिंग में थोड़ी चेंज, निर्भय 2 कैच ले चुके हैं जिनको फिर कैच के स्थानों पे खड़ा किया गया है। बिल्कुल ठीक कहा हेम आपने, कैचिंग पोजीशन पर वहां पर भेजा गया है निर्भय को, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि निर्भय फील्डिंग काफी अच्छी कर रहे हैं और कैच दो दो उन्होंने लिए हैं, तो आगे भी उसी कॉन्सेंट्रेशन के साथ वो कैच लेंगे ऐसी उम्मीद। प्रशांत तीसरा ओवर लेकर और यहां पर वाइड का इशारा मिलता हुआ हमें अंपायर की तरफ से, ऑफ स्टंप के काफी बाहर से जाती हुई ये बॉल। और एक बार फिर से वाइड का इशारा हमें मिलता हुआ अंपायर की तरफ से, उठाकर खेला है इसे फील्डर्स के पास, बॉल को बाउंड्री लाइन के बाहर जाते हुए देखने के अलावा और कोई चारा नहीं। पोल का सुपर सिक्स, एक और काफी अच्छा शॉट जो गया लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर, शानदार चौके में बदला। डिवाइन फैबुलस 4। बहुत ही खूबसूरत शॉट एक बार फिर से, बाउंड्री के बाहर जाता हुआ हवा में लहराता हुआ, पोल का सुपर सिक्स, शानदार शॉट, जबरदस्त छक्का। अच्छी फील्डिंग की वहां पर निर्भय ने एक बार फिर से, इसीलिए फॉर द सेम पर्पस निर्भय को वहां पर रखा गया है, काफी अच्छी फील्डिंग वो कर रहे हैं। और एक बार फिर से मैं अपने साथी कमेंटेटर मोहित का स्वागत करना चाहूंगा, वेलकम टू द स्क्वाड मोहित। बहुत थैंक्स अरविंद जी, बहुत ही अच्छा यहाँ पे बिटवीन द रनिंग बिटवीन द विकेट्स, कोई नहीं कहना। तीन ओवर 30 रन 3 विकेट के नुकसान पर, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 30 रन 3 विकेट के नुकसान पर, ऑल अबाउट थ्रीज। Nirbhay is a new bowler from Budapara end. Umpire ka ishara void ball, umpire bane Shahrukh Khan.
के पहले भी डॉट थी ना। नो बॉल का इशारा दिखाया अंपायर ने, साथ ही साथ फ्री हिट का इशारा भी हमें अंपायर से मिलता हुआ। और देखना होगा कि इस फ्री हिट का आदर्श क्या फायदा उठा पाते हैं। निर्भय की अगली बॉल, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की गई थी लेकिन उनके बल्ले का बाहरी किनारा लगा और बॉल सीधे विकेट्स पर लगी, लेकिन ये फ्री हिट बॉल थी तो खतरे की कोई बात नहीं, आदर्श सुरक्षित है वहां पर, स्ट्राइक पर बने रहेंगे निर्भय की अगली गेंद का सामना करने के लिए। काफी अच्छा शॉट वहां पर लगाया गया था, फील्डर मौजूद थे, उन्होंने अपना हाथ जरूर लगाया बॉल पर लेकिन उनके हाथ से लगकर बॉल जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रनों के लिए पोल का सुपर सिक्स, सुपर्ब शॉट, सुपर्ब सिक्स। एवरीथिंग टू हिटिंग इज दम एज दम एनिमन एक। हेलो 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 हेलो, हवा में है गेंद एक बार फिर से, फील्डर वहां पर मौजूद और काफी आसान सा कैच किया दिव्यांश जैन के द्वारा। लगातार 2 छक्के पड़ने के बाद बॉलर ने किया कमबैक, फुल टॉस बॉल पे लेग पे उठा बैठे बल्लेबाज बॉल को और बॉल गई सीधा फील्डर के हाथ में। यहाँ पे अगले बल्लेबाज श्रेयांश दुग्गड़ जी आते हुए, यहाँ पे अंपायर का इशारा नो बॉल और 4 रन के साथ, मतलब इस बॉल पे 5 रन। यहाँ पे बहुत ही अच्छा शॉट मारा, सो ब्यूटीफुल सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव वाव वाव।
बहुत अच्छा शॉट बल्लेबाज के द्वारा, बेहतरीन यहाँ पे महंगा ओवर साबित जाता हुआ। बहुत ही बढ़िया डिफेंस किए यहाँ पे और एक रन चुराते हुए। चार ओवर की समाप्ति के बाद 58 रन चार विकेट के नुकसान पर। यहां पे अगला ओवर लेके आ रहे हैं दक्ष। यहां वे बहुत ही अच्छा शॉट मारा और एक रन चुराते हुए। बैट्समैन ने बड़ी सूझबूझ के साथ एक रन बड़ी तेजी से दौड़ कर लिए। हेलो, बहुत ही अच्छी बॉल। और स्ट्राइक पे है पारस जी चोपड़ा। शायद बॉलर को रनअप में कोई दिक्कत आई, बीच में ही रनअप रोक दिया। बहुत ही अच्छा शॉट और यहाँ पे फील्डिंग, बहुत ही अच्छी फील्डिंग। हवा में है गेंद, फील्डर वहां पर मौजूद और सीधा एक कैच उनके हाथ में। एक और सफलता मिलती हुई जैविक रॉयल्स को। एसवी स्ट्राइकर्स का पांचवा विकेट गिरता हुआ यहां पर मात्र 61 रन के स्कोर पर। काफी अच्छी बॉलिंग और उतनी ही अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन यहां पर करती हुई जैविक रॉयल्स की टीम, बहुत ही जबरदस्त। टीम की एक बहुत मजबूत करी पारस जी चोपड़ा का विकेट, बहुत बड़ा विकेट।
बैट से हल्के से लगी ये बॉल, एक रन के लिए तेजी से दौड़े दोनों ही बल्लेबाज। पांच ओवर्स पूरे हुए और ड्रिंक्स ब्रेक्स का अब वक्त है। 62 रन का स्कोर है एसवी स्ट्राइकर्स का और 5 विकेट का नुकसान उन्हें हो चुका है। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग और फील्डिंग का प्रदर्शन करते हुए जैविक रॉयल्स के सभी खिलाड़ी। पांच ओवर्स पूरे होने के बाद 62 रन का स्कोर है एसवी स्ट्राइकर्स का, 5 विकेट का नुकसान उन्हें हो चुका है और फिलहाल वक्त है ड्रिंक्स ब्रेक का। म्यूजिक म्यूजिक डाउन। मैच वापस स्टार्ट होते हुए प्रशांत बहुत अच्छा कैच, मैदान से आवाज भी आई आ गया और जी बिल्कुल हाथ का कैच। दिव्यांश ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा। जैविक रॉयल्स को छठवीं सफलता मिलती हुई। पांच दशमलव एक ओवर के बाद 62 रन, 6 विकेट का नुकसान पर। बहुत ही बढ़िया एक डॉट बॉल रही यहां पर। कृष्णा आए हैं नए बल्लेबाज स्ट्राइक पर सामना करते हुए प्रशांत का। छठवां ओवर जारी है और 6 सफलताएं मिल चुकी है जैविक रॉयल्स को, केवल 62 रन का स्कोर है। बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन बल्ले पर पूरी तरह से आई नहीं बॉल। काउ कॉर्नर की दिशा में जाती हुई बॉल, फील्डर्स वहां पर मौजूद, केवल एक ही रन मिल पाया एसवी स्ट्राइकर्स के बल्लेबाजों को। फिलहाल काफी अच्छी फील्डिंग वहां पर और धीरज ने काफी अच्छा थ्रो, वेरी क्विक थ्रो इट वॉज।
अंपायर से इशारा मिलता हुआ वाइड बॉल का और एक इसे हल्के से खेल दिया लेकिन फील्डर धीरज वहां पर मौजूद। काफी अच्छा ओवर निकला, केवल 2 रनों का इजाफा हुआ इस ओवर के बाद, बाकी वाइड यानी कि एक्स्ट्रा से रन खाते में जुड़े और एक विकेट भी, एक सफलता भी जैविक रॉयल्स को इस ओवर में मिलती हुई। काफी अच्छी बॉल रही यहां पर बल्लेबाज चूके। एक और सफलता मिलती हुई यहां पर जैविक रॉयल्स को, काफी सधी हुई गेंदबाजी और क्षेत्र रक्षण शुरू से ही करती हुई जैविक रॉयल्स की टीम। 7वीं सफलता मिलती हुई यहां पर जैविक रॉयल्स को और एसवी स्ट्राइकर्स की अगर हम बात करें तो 66 रन का स्कोर है, 7वां ओवर गतिमान है। बहुत बढ़िया शॉट, फील्डर्स के पास कोई मौका नहीं उसे रोक पाने का। डिवाइन फैबुलस 4, 4 रनों के लिए जाता हुआ बाउंड्री लाइन के बाहर। विपुल के बल्ले से निकला, विपुल ने आते ही अपना खाता खोला एक आक्रामक शॉट लगाकर, बहुत ही जबरदस्त शॉट। और अब सौरभ की अगली बॉल का सामना करेंगे विपुल, एक बार फिर से इसे खेला काउ कॉर्नर की दिशा में जाती हुई ये बॉल, फील्डर वहां पर मौजूद प्रशांत। काफी अच्छा शॉट लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद, लेकिन तेजी से दौड़कर दोनों ही बल्लेबाज एक रन चुराते हुए फील्डर्स के सामने से। 7वां ओवर पूरा होता हुआ यहां पर एसवी स्ट्राइकर्स का स्कोर है 72 रन और 7 विकेट गंवा चुकी है एसवी स्ट्राइकर्स की टीम। 7 सफलताएं जैविक रॉयल्स को यहां पर मिल चुकी है।
बॉलर्स नेम प्लीज। सलय, थैंक यू। उठाकर खेला, काफी खूबसूरत शॉट हवा में लहराता हुआ गया, लेकिन वन बाउंस बाउंड्री चार रनों के लिए। डिवाइन फैबुलस फोर, शानदार चौका। चार रनों का इशारा मिला हमें अंपायर की तरफ से। कृष्णा के बल्ले से निकला खूबसूरत शॉट, गया बाउंड्री लाइन के बाहर। डिवाइन फैबुलस फोर, कृष्णा स्ट्राइक पर, सलय की बॉल का करेंगे सामना। वाइड का इशारा निश्चित तौर पर अंपायर की तरफ से आएगा, क्योंकि ऑफ स्टंप के काफी बाहर रही ये बॉल, बहुत दूर से गई है। कृष्णा के बल्ले के भी काफी दूर से गई। सलय की अगली बॉल, कृष्णा सामना करेंगे। इस बार लेग स्टंप के बाहर से जाती हुई ये बॉल और वाइड का इशारा अंपायर का। एक रन और जुड़ता हुआ एसबी स्ट्राइकर्स के खाते में। एक बार फिर से लेग स्टंप के बाहर ये बॉल और अंपायर ने इसे वाइड करार दिया। एक और वाइड, लगातार चौथी वाइड, स्कोर लगातार बढ़ता हुआ और अब एसवी स्ट्राइकर्स का स्कोर हो चुका है 80 रन। आठवां ओवर जारी है। उठाकर खेल दिया है इसे, फील्डर वहां पर मौजूद है, लेकिन उनके ऊपर से निकलेगी ये बॉल हवा में लहराती हुई। पोल का सुपर सिक्स, शानदार छक्का। बेहद खूबसूरत शॉट साइड स्क्रीन के ऊपर से रॉयल स्टैंड की तरफ जाता हुआ। पोल का सुपर सिक्स। तो आठ ओवर पूरे हुए यहां पर और सात विकेट के नुकसान के बाद एसवी स्ट्राइकर्स बना चुकी है 93 रन।
93 for 7 after 8, काफी लंबा ओवर रहा ये और 21 रन इसी ओवर में मिले हैं एसवी स्ट्राइकर्स को। चार वाइड, एक चौका, दो छक्के और एक सिंगल। काफी लंबा ओवर रहा ये। तो 8.1 ओवर्स के बाद 93 रन, 93 रन का स्कोर है एसवी स्ट्राइकर्स का। 8 विकेट का नुकसान उन्हें हुआ है। साकेत आए हैं नए बल्लेबाज। बहुत ही बढ़िया शॉट, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद हैं, लेकिन उनके हाथ से लगकर ये बॉल जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर। अंपायर का इशारा आता हुआ 4 रनों का। स्कोर बढ़ता हुआ 97 रन। डिवाइन फैबुलस 4 के साथ काफी अच्छा शॉट था, लेकिन फील्डर्स मौजूद बहुत ही चुस्ती फुर्ती के साथ फील्डिंग करते हुए तो एक ही रन मिल पाया। कप्तान राहुल की अगली बॉल, स्लोवर डिलीवरी और बल्लेबाज पूरी तरह से चकमा खाते हुए। एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन बॉल से थोड़े से दूर थे वो। थोड़ा सा आगे आकर, बॉल के ऊपर आकर उसे मारने की जरूरत थी। फुल टॉस बॉल जिसका फायदा उठाया है, उठाकर इसे खेला है, लेकिन फील्डर यहां पर मौजूद और बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग प्रशांत के द्वारा। एक्सलेंट पीस ऑफ फील्डिंग, 6 रन जाने से इसे रोका। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग प्रशांत की वहां पर। 9 ओवर्स पूरे होने के बाद 99 रन स्कोर है एसवी स्ट्राइकर्स का और 8 विकेट का नुकसान उन्हें हुआ है। और वर्तमान रन रेट के हिसाब से अगर बात करें तो प्रोजेक्टेड स्कोर लगभग 110 के आसपास का। निर्भय वहां पर मौजूद थे और एक और शानदार कैच उन्होंने लिया। हाउसिंग कार्ट विकेट, कैच नंबर 3 फॉर निर्भय। निर्भय ने बहुत ही बढ़िया फील्डिंग का प्रदर्शन किया है आज और
इस मैच में उन्होंने 3 कैचेस लिए हैं। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग का प्रदर्शन करते हुए निर्भय वहां पर, ये 9वां विकेट गिरता हुआ एसवी स्ट्राइकर्स का 99 रन के स्कोर पर। इस पारी का अंतिम ओवर जारी है, अंतिम बल्लेबाज आए हैं एसवी स्ट्राइकर्स की तरफ से। एक बढ़िया शॉट लगाया, मिड ऑफ की दिशा में गई वो बॉल, फील्डर वहां पर मौजूद, 1 रन जरूर मिला और इस नो बॉल का इशारा यहां पर अंपायर की तरफ से मिलता हुआ और साथ ही साथ फ्री हिट का भी इशारा उनकी तरफ से आता हुआ। फ्री हिट बॉल थी इसलिए बल्लेबाज वहां पर सुरक्षित रहे, वरना बॉल विकेट्स पर लगी थी बल्ले के भीतरी किनारे से जाते हुए। तो 101 रन एसवी स्ट्राइकर्स के पूरे हो चुके हैं, 100 कम्स अप फॉर एसवी स्ट्राइकर्स आफ्टर 9.2 ओवर्स। बढ़िया शॉट खेला गया मिड ऑफ की दिशा में, वहां पर बहुत ही बढ़िया फील्डिंग निर्भय की, काबिले तारीफ, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, एक्सेलेंट पीस ऑफ फील्डिंग बाय निर्भय ओवर देयर। और आज निर्भय की लगातार तारीफ हो रही है क्योंकि वो फील्डिंग बहुत ही जबरदस्त कर रहे हैं। आज 3 कैच ऑलरेडी ले चुके हैं और यहां पर 3 रन बहुत ही बढ़िया फील्डिंग के जरिए अपनी टीम के लिए बचाते हुए। फिलहाल रीप्ले देखा जा रहा है, अंपायर ने इशारा किया, 4 रनों का स्कोर बढ़ता हुआ 105 रन, लेकिन बहुत जबरदस्त एफर्ट वहां पर निर्भय की। एक बार फिर से ऑफ की दिशा में ये शॉट खेलना चाहते थे लेकिन बीट हुए वहां पर बल्लेबाज और गेंद गई सीधा विकेट कीपर के हाथों में। एक बार फिर से बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, बल्ला तेजी से घुमाया था पर बॉल कनेक्ट हुई नहीं। स्कोर 105 पर बरकरार। राहुल भैया लास्ट बॉल बाकी है, वैसे एक बॉल बाकी है। सबसे पहली बॉल पर विकेट था, दूसरी बॉल नो बॉल थी, तीसरी बॉल डॉट बॉल रही, चौथी बॉल पर चौका आया था, पांचवी बॉल फिर से डॉट बॉल रही। उठाकर इसे खेला है और आखिरी बॉल पर एसवी स्ट्राइकर्स के बल्लेबाज छक्का जड़ते हुए यहां पर, और
फाइनल स्कोर 111 रन एसवी स्ट्राइकर्स का 9 विकेट खोकर। तो अब जैविक रॉयल्स को 112 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए निर्धारित 10 ओवरों में। हेलो
पहली ही बॉल पर बहुत ही जबरदस्त शॉट लगाया और पोल का सुपर सिक्स के लिए उसे पहुंचाया मैदान के बाहर। शानदार शॉट, जबरदस्त छक्का दक्ष के बल्ले से निकला हुआ। और दक्ष ने पहली ही बॉल से अपने इरादे कर दिए हैं साफ। एक बार फिर बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, घुटनों पर बैठे स्वीप शॉट लगाने की कोशिश, लेकिन बॉल जरा निकल सी गई और सीधे गई विकेट कीपर के हाथों में। रिवर्स शॉट लगाया इस बार, एक्स्ट्रा कवर के दिशा में और वहां पर चार रन मिले। डिवाइन फैबुलस फोर, शानदार चौका दक्ष के बल्ले से निकला हुआ। बहुत ही जबरदस्त शॉट दक्ष के बल्ले से, एक और पोल का सुपर सिक्स हमें देखने को मिलता हुआ। काउ कॉर्नर के दिशा में बाउंड्री के ऊपर से मैदान के बाहर छह रनों के लिए सुपर शॉट पोल का सुपर सिक्स। आखिरी गेंद यहां पे, बहुत ही बढ़िया बॉल यहां पर, बल्लेबाज दक्ष चकमा खा गए। एक बार फिर से हवा में है गेंद, फील्डर उसके नीचे आते हुए और एक बहुत ही बढ़िया कैच यहां पर। द डेंजरस मैन गॉन, दक्ष हैज टू डिपार्ट। बहुत अच्छा कैच, फील्डर नेम प्लीज। अनिकेत, थैंक यू। न्यू बैट्समैन नेम, निर्भय आए हैं यहां पर नए बल्लेबाज, बहुत ही आक्रामक बल्लेबाज है ये। बोलर्स नेम प्लीज। अंकित, थैंक यू। पहला ओवर पूरा होने के बाद जैविक रॉयल्स के 16 रन हुए हैं, एक विकेट का नुकसान उन्हें हुआ और अब अंकित आए हैं दूसरा ओवर लेकर। काफी अच्छा रहा पहला ओवर, 16 रन इस ओवर से आए जैविक रॉयल्स के लिए। उठाकर खेला है इसे कप्तान राहुल ने, वन बाउंस, बाउंड्री के लिए जाएगा ये लॉन्ग ऑन की दिशा में, माफी चाहूंगा लॉन्ग ऑफ की दिशा में, बाउंड्री लाइन के बाहर। डिवाइन फैबुलस फोर, बहुत अच्छा बॉल प्लेस किया राहुल भैया ने, वो पहले ही देख लिए थे, भाप लिए थे कि वहां फील्डर नहीं है। राहुल के बल्ले से निकला हुआ एक और खूबसूरत शॉट, लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से जाता हुआ मैदान के बाहर, छह रनों के लिए पोल का सुपर सिक्स।
अच्छी फील्डिंग। लोअर फुल टॉस बॉल मिली और राहुल इसका पूरा पूरा फायदा उठाते हुए वन बाउंस बाउंड्री चार रनों के लिए डिवाइन फैबुलस फोर। शंकेलाल भैया जहां भी हो तुरंत स्टेज के पास आए। शंकेलाल भैया काफी अच्छी पारी खेलते हुए कप्तान राहुल यहां पर। काफी अच्छा शॉट था लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद थे, उनके हाथ से लगकर ये बॉल छूटी वरना खतरनाक हो सकता था, ये एक कैच हो सकता था, एक और सफलता एसवी स्ट्राइकर्स को मिल सकती थी। और अब निर्भय स्ट्राइक पर शंकेलाल भैया जहां भी हो सामना करेंगे अंकित की अगली बॉल का। हवा में है बॉल, फील्डर वहां पर मौजूद जरूर है लेकिन बॉल गिरी नो मैन्स लैंड में। दूसरे रन के लिए जाना चाहते थे कप्तान राहुल लेकिन रिस्की हो सकता था, खतरनाक हो सकता था। फिलहाल दो ओवर्स पूरे होने के बाद 32 रन स्कोर है जैविक रॉयल्स का, एक विकेट का नुकसान उन्हें हुआ है। बॉलर्स नेम साकेत इज द न्यू बॉलर। बहुत ही सूझबूझ के साथ एक रन लेकर राहुल भैया को स्ट्राइक पे ला दिया गया जो बहुत चार्ज कर रहे हैं अभी। काफी आक्रामक रूप देखने को मिला है आज राहुल मुड़ौत का। काफी अच्छा शॉट राहुल का वहां पर, एक बार फिर से काउ कॉर्नर की दिशा में रौनक फील्डर मौजूद, केवल एक रन से फिलहाल संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाजों को। निर्भय अब स्ट्राइक पर है। काफी अच्छा शॉट और एक रन लेकर फिर से कप्तान राहुल को स्ट्राइक देते हुए। बड़े शॉट्स नहीं पड़ रहे हो तो सिंगल ही अच्छा है, उससे कम से कम रन आते रहते हैं, प्रेशर नहीं बनता बल्लेबाज के ऊपर। ये आपने बड़ी अच्छी बात कही मोहित। बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त शॉट, बिल्कुल गैप देखकर खेला गया, वन बाउंस बाउंड्री डिवाइन फैबुलस फोर, शानदार चौका। आज राहुल भैया का एक अलग ही रूप देखने को मिल रहा है।
घुमाकर खेलना चाहते थे, लेकिन पूरी तरह से बल्ले पर नहीं आई। यहां पर काफी अच्छा थ्रो विकेट्स पर लगी जरूर है, पर ऐसा लग रहा है कि बल्लेबाज निर्भय क्रीज पर सुरक्षित पहुंच चुके हैं। बल्ले देखना होगा कि क्या टीवी रिप्ले के लिए अंपायर इशारा करते हैं। एक रन दौड़कर पूरा किया। तो तीन ओवर्स पूरे होने के बाद जैविक रॉयल्स 41 रन बना चुकी है, केवल एक विकेट का नुकसान उन्हें हुआ है। काफी अच्छी सूझबूझ समझदारी भरी हुई बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए फिलहाल दोनों ही बल्लेबाज यहां पर 41 रन तीन ओवर्स के बाद एक विकेट के नुकसान पर जैविक रॉयल्स। बॉलर्स नेम प्लीज, अंकित, थैंक यू। बहुत ही तेजी से बॉल निकली बल्ले के नीचे से और गई सीधा विकेट कीपर के हाथ में। बहुत ही बढ़िया शॉट, काफी अच्छी बॉलिंग, बॉल गई सीधे विकेट कीपर के हाथ में। ये दो बॉल्स अंकित की बहुत ही बढ़िया, बल्लेबाज के पास कोई मौका नहीं उसे खेल पाने का, छू पाने का। काफी अच्छी बॉलिंग, काबिले तारीफ। और एक आसान सा कैच यहां पर साकेत के हाथों में, निर्भय हैज टू डिपार्ट, दूसरी सफलता मिलती हुई एसवी स्ट्राइकर्स को। स्पिन बॉल में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है, हम बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं लेकिन बॉल में कोई गति नहीं होती तो उसे दिशा दे पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है और साथ ही साथ ताकत भी लगानी पड़ती है। जैविक रॉयल्स का दूसरा विकेट गिरता हुआ, दूसरे विकेट का पतन। बहुत ही बढ़िया शॉट, काफी अच्छा ड्राइव, फील्डर वहां पर मौजूद डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। न्यू बैट्समैन नेम प्लीज, प्रशांत, थैंक यू। और कप्तान राहुल एक बार फिर से स्ट्राइक पर, हल्का सा शॉट खेलना चाहते थे पीछे की तरफ लेकिन बल्ले पर आई नहीं बॉल। आगे बढ़कर इसे ड्राइव किया लॉन्ग ऑफ की दिशा में, फील्डर वहां पर मौजूद हैं, तब तक कप्तान राहुल ने दौड़कर एक रन पूरा किया। ओवर की समाप्ति यहां पर, चार ओवर्स पूरे हुए और 43 रन का स्कोर है जैविक रॉयल्स का दो विकेट के नुकसान पर। और अब अगले छह ओवर में 69 रनों की जरूरत जैविक रॉयल्स को इस मैच को जीतने के लिए। 36 बॉल्स टू गो, 69 टू विन जैविक रॉयल्स With 8 wickets in hand।
काफी अच्छा शॉट राहुल का, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद थे, हवा में थी थोड़ी देर के लिए बॉल, थोड़ा सा रिस्की हो सकता था। बॉलर्स ने रिवर्स स्वीप मारने का प्रयास किया पर बॉल से बैट का करेक्शन नहीं बैठा पाए और डॉट बॉल। काफी अच्छा थ्रो यहां पर देखने को मिला और अब प्रशांत स्ट्राइक पर हैं, सामना करेंगे साकेत की अगली बॉल का। फिलहाल स्कोर बढ़ता हुआ पहुंच चुका है 44 रन पर, 2 विकेट का नुकसान जरूर हुआ है जैविक रॉयल्स को, बट दे स्टिल हैव 8 विकेट्स इन हैंड। बहुत ही बढ़िया शॉट, लेकिन फील्डर यहां पर मौजूद और एक और बढ़िया कैच, हाउसिंग कार्ट विकेट यहां पर देखने को मिलता हुआ। चौथा नुकसान जैविक के लिए, बट एक एंड में राहुल मुनो डटे हुए हैं, सॉरी 3 विकेट। फील्डर नेम प्लीज। दोनों भाई एक साथ क्रीज में, देखते हैं क्या कमाल दिखा पाएंगे। काफी अच्छी विकेट कीपिंग, तुरंत पकड़ा और उतनी ही अच्छी बॉल सीधे विकेट्स पर हिट कर दिया और जोरदार अपील थी, लेकिन बल्लेबाज राहुल का पैर क्रीज के अंदर ही था, इसलिए अंपायर ने ना में सर हिलाया, इशारा किया कि नहीं ये नॉट आउट है। तो 5 ओवर्स पूरे होने के बाद ड्रिंक्स ब्रेक का वक्त है और 45 रन बना चुकी है जैविक रॉयल्स की टीम, 3 विकेट का नुकसान उन्हें हुआ है और अगले 5 ओवरों में यानी कि 30 गेंदों में 67 रन उन्हें चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। और
तो ड्रिंक्स ब्रेक के बाद छठवां ओवर यहां पर शुरू होता हुआ। आदर्श लेकर आए हैं छठवां ओवर यहां पर। बहुत अच्छा शॉट, बैट के बीचों बीच से गई है बॉल, 6 रन के लिए पोल का सुपर सिक्स। बहुत ही जबरदस्त शॉट, शानदार छक्के में तब्दील हुआ और पोल का सुपर सिक्स यहां पर मिलता हुआ। डीप मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से बाहर गया मैदान के पोल का सुपर सिक्स के लिए। एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन बल्ले के बहुत ही निचले हिस्से में लगी, सबसे निचले हिस्से में। तो बॉल वहीं पर रुक गई और रन बनाने का कोई मौका नहीं। एक बार फिर से शॉट खेलने की कोशिश लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद और रन पूरा होने से पहले ही बॉल लगी विकेट्स पर, थ्रो आया और कप्तान राहुल दौड़ते दौड़ते ही मैदान के बाहर निकल गए, अपने डगआउट पर जाकर रुके और अब नए बल्लेबाज आ रहे हैं। छह ओवर्स पूरे होने के बाद 64 रन स्कोर है जैविक रॉयल्स का और 4 विकेट का नुकसान उन्हें हुआ है। अगले 24 गेंदों में यानी कि 4 ओवरों में 48 रन चाहिए जैविक रॉयल्स को इस मैच को जीतने के लिए। बहुत ही जबरदस्त शॉट जो सीधे आकर गिरा मेन स्टेज पर हवा में लहराता हुआ, पोल का सुपर सिक्स, शानदार छक्का, शानदार छक्का।
बॉलर के हाथ से ये कैच छूटा और दोनों ही बल्लेबाजों ने तेजी से दौड़कर एक रन पूरा किया। काफी अच्छा शॉट यहां पर, डीप स्क्वायर लेग की दिशा में ये बॉल आई, फील्डर वहां पर मौजूद, केवल एक ही रन मिल पाया। इक्कीस बॉलों में 40 रन की आवश्यकता। बेहतरीन शॉट, दिस इज व्हाट वी कॉल पोलका सुपर सिक्स। बहुत ही बढ़िया शॉट, बेहद खूबसूरत, काउ कॉर्नर बाउंड्री के ऊपर से जाता हुआ 6 रनों के लिए मैदान के बाहर, पोलका सुपर सिक्स। सातवां ओवर जारी है और एक और शॉट जो है हवा में, फील्डर वहां पर मौजूद और कैच के लिए आगे बढ़कर आते हुए एक और बढ़िया कैच, फुल इनिंग खेल के सौरभ वापस जाते हुए। एस जे हैज टू डिपार्ट, एक और सफलता एसवी स्ट्राइकर्स को मिलती हुई। बीस बॉलों में 34 रन की आवश्यकता। मैच इस समय किसी भी टीम की झोली में जा सकता है, देखते हैं वो टीम कौन सी होगी। काफी अच्छा शॉट, लेकिन फील्डर है वहां पर मौजूद और एक बहुत ही तेज थ्रो, लेकिन तब तक बल्लेबाज सुरक्षित पहुंच चुके थे। सात ओवर पूरे होने के बाद जैविक रॉयल्स का स्कोर है 79 for 5, 18 बॉल और अब 33 रनों की जरूरत जैविक रॉयल्स को इस मैच को जीतने के लिए। इनुबिया का जेयूसीएल कमेटी हार्दिक स्वागत करती है, प्रशांत जी सिंगी का हार्दिक स्वागत करती है। हवा में है बॉल, फील्डर वहां पर मौजूद, लेकिन ये कैच छूटता हुआ एकदम ब्लंडर हो गया। ओ ओ ओ, बल्ले का बाहरी किनारा लगा और बॉल सीधे जाकर विकेट्स पर लगी, एक और सफलता मिलती हुई एसवी स्ट्राइकर्स को। और अब धीरज आते हुए नए बल्लेबाज मैदान में प्रवेश करते हुए।
15 गेंदों में 30 रनों की जरूरत है अब जैविक रॉयल्स को इस मैच को जीतने के लिए। 6 विकेट गंवा चुकी है जैविक रॉयल्स की टीम। धीरज लोढ़ा का रिवर्स स्वीप देखना चाहेंगे सब। ऑफ स्टंप के काफी बाहर रही ये बॉल, अंपायर का इशारा मिलता हुआ वाइड का। और अब 15 गेंदों में 29 रनों की जरूरत। काफी बढ़िया बॉल, काफी अच्छी लाइन लेंथ, बीट हुए बल्लेबाज धीरज, गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग, बॉल सीधे जाकर विकेट्स पर लगी, क्लीन बोल्ड। धीरज रिवर्स शॉट लगाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन बॉल उन्हें चकमा देकर निकलती हुई और सीधे लगी विकेट्स पर। और इस बीच मैं बता दूं कि हमारे बीच इस वक्त ग्राउंड में शांति विजय एडवर्टाइजर्स के ओनर मनमोहन पारख जी मौजूद हैं, उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। साथ ही साथ उषा पारख जी और रक्षा पारख जी का भी हम हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। बहुत ही बढ़िया बॉल थी जिस पर धीरज क्लीन बोल्ड होकर डगआउट की तरफ वापस लौटे। 8 ओवर पूरे होते हुए 83 रन का स्कोर है जैविक रॉयल्स का 7 विकेट के नुकसान पर। हमारे कमेंट्री बॉक्स स्पॉन्सर गुजराती मिष्ठान भंडार के ओनर राहुल किलोसिया बैटिंग पर। आठ ओवर्स पूरे होने के बाद 83 रन का स्कोर है जैविक रॉयल्स का 7 विकेट के नुकसान पर। और अब अगले 2 ओवरों में यानी कि 12 गेंदों में 29 रन की जरूरत है जैविक रॉयल्स को यह मैच जीतने के लिए। उठाकर खेला है फील्डर, वहां पर मौजूद हैं और उनके हाथों में एक और आसान सा कैच। मोए मोए तिरासी रन के स्कोर पर जैविक रॉयल्स का 8वां विकेट गिरता हुआ। 9वां ओवर शुरू हुआ है और अब अगली 11 गेंदों में 29 रनों की जरूरत जैविक रॉयल्स को यह मैच जीतने के लिए। नए बल्लेबाज हिमांशु, हिमांशु जी सुराना आते हुए स्ट्राइक लेते हुए जर्सी नंबर 55 सामना करेंगे यश की अगली बॉल का। वाइड का इशारा आता हुआ एम्पायर की तरफ से, एक रन का और इजाफा होता हुआ जैविक रॉयल्स के खाते में। हवा में है बॉल, फील्डर वहां पर मौजूद लेकिन नो मैंस लैंड में गिरी ये बॉल और दूसरे रन के लिए जाना चाहेंगे शायद, लेकिन तब तक बॉल फील्ड हो चुकी थी और उन्हें एक रन लेकर ही रुकना पड़ा। और अब 10 गेंदों में 27 रनों की जरूरत, स्कोर बढ़ता हुआ 85 रन। राहुल स्ट्राइक पर हैं, यश का सामना करेंगे।
उठाकर इसे खेला है, हवा में है बॉल, फील्डर वहां पर मौजूद और एक और कैच हो सकता था लेकिन फील्डर के हाथ से छूटता हुआ एक और विकेट पाने का मौका यहां पर हाथ से छूटता हुआ। 9 गेंदों में 26 रनों की अब जरूरत जैविक रॉयल्स को यह मैच जीतने के लिए। हिमांशु जी सुराना एक बार फिर से स्ट्राइक पर, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग और फॉलो थ्रू में काफी अच्छी फील्डिंग, बॉल्स कम होती हुई रनों का फासला बढ़ता हुआ। अब 7 गेंदों में 25 रनों की जरूरत जैविक रॉयल्स को इस मैच को जीतने के लिए। उठाकर खेला है, फील्डर वहां पर मौजूद और काफी अच्छी फील्डिंग, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, एक्सेलेंट पीस ऑफ फील्डिंग, उसे उछलकर रोका, 5 रन बचाए अपनी टीम के लिए, 1 रन दौड़कर पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। ट्रिपल 8 इस वक्त स्कोर बोर्ड पर देखने को मिलता हुआ, 88 रन स्कोर है और 8 विकेट जैविक रॉयल्स के गिर चुके हैं। अंतिम ओवर है यानी कि 6 गेंदों में 24 रनों की जरूरत। यश आ रहे हैं अंतिम ओवर लेकर एसवी स्ट्राइकर्स की तरफ से और इस अंतिम ओवर में अंतिम 6 गेंदों में 24 रनों की जरूरत जैविक रॉयल्स को इस मैच को जीतने के लिए। वाइड का इशारा मिलता हुआ हमें अंपायर की तरफ से, उठाकर खेला है, काफी खूबसूरत शॉट, रॉयल स्टैंड्स की तरफ जाता हुआ 6 रनों के लिए, पोल का सुपर 6। और एक बार फिर से वाइड का इशारा मिलता हुआ हमें अंपायर की तरफ से, और एक बार फिर से उठाकर खेल दिया है, फील्डर वहां पर मौजूद लेकिन यह बॉल जाएगी सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर, पोल का सुपर 6। हिमांशु जी सुराना के बल्ले से 2 बैक टू बैक सिक्सेस निकले, बहुत ही शानदार शॉट्स, लगातार 2 छक्के जड़ते हुए हिमांशु जी सुराना उसी दिशा में यानी कि मिड ऑफ बाउंड्री के ऊपर से, और एक और बहुत ही बढ़िया शॉट, हाफ पिच बॉल थी ये,
तीन बॉल में 10 रनों की जरूरत इस मैच को जैविक रॉयल्स को जीतने के लिए। वाइड का इशारा यहां पर मिलता हुआ अंपायर की तरफ से और अब तीन गेंदों में 9 रन की जरूरत। हर बॉल के साथ ये मैच काफी इंटरेस्टिंग मोड़ लेता हुआ, काफी रोमांचक मोड़ लेता हुआ। एक बार फिर से वाइड का इशारा मिलता हुआ हमें अंपायर की तरफ से, ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी ये बॉल। नो बॉल का इशारा यहां पर मिलता हुआ अंपायर की तरफ से और फ्री हिट बॉल रहेगी अगली बॉल। अंपायर इशारा कर चुके हैं फ्री हिट बॉल का। तीन बॉल में 7 रन चाहिए जैविक रॉयल्स को यह मैच जीतने के लिए। नो बॉल का इशारा लेग अंपायर की तरफ से मिलता हुआ, ओवरथ्रो का फायदा उठाते हुए ये दोनों ही बल्लेबाज दौड़ते हुए 1 रन पूरा कर रहे हैं। नो बॉल का इशारा,
अंपायर से हम जानना चाहेंगे फाइनल डिसीजन क्या है, फाइनल डिसीजन क्या है इस बॉल का हम जानना चाहेंगे अंपायर से। अंपायर शैलेश भैया, क्या डिसीजन लिया गया है? नो बॉल है, बॉल है कि नो बॉल है? फाइन, थैंक यू। उठाकर खेला है यहां पर और बाउंड्री लाइन के बाहर चार रनों के लिए, काफी खूबसूरत शॉट, लॉन्ग ऑफ की दिशा से बाउंड्री के बाहर जाती हुई ये बॉल, डिवाइन फैबुलस फोर चार रनों के लिए। मैच बेहद रोमांचक मोड़ पर, एक बॉल पर दो रनों की जरूरत जैविक रॉयल्स को जीतने के लिए, एक बॉल पर दो रन, सबकी सांसें थमी हुई, धड़कनें थमी हुई। फुल टॉस बॉल, फील्डर वहां पर मौजूद, पहले रन के लिए तेजी से दौड़े हैं और दूसरे रन के लिए भी भागेंगे। टीवी रीप्ले का इशारा किया है अंपायर ने। टीवी रीप्ले का इशारा किया है वहां पर अंपायर ने और देखना होगा कि क्या बल्लेबाज सुरक्षित पहुंचे हैं क्रीज पर। तो मैच इतना जबरदस्त और इंटरेस्टिंग मोड ले चुका है, बहुत ही शानदार, और सीजन थ्री का पहला सुपर ओवर अब इस मैच में खेला जाएगा और अब सुपर ओवर के जरिए इस मैच को एक नतीजे तक पहुंचाने की कोशिश। तो सुपर ओवर में बल्लेबाजी करने के लिए जैविक रॉयल्स की तरफ से आए हैं दक्ष और कप्तान राहुल।
काफी अच्छा शॉट है, फील्डर मौजूद है वहां पर। जेके ग्रुप प्रेजेंट्स जेयूसीएल सीजन 3 का ये पहला सुपर ओवर खेला जा रहा है एसवी स्ट्राइकर्स और जैविक रॉयल्स के बीच। कप्तान राहुल अब स्ट्राइक पर है। उठाकर खेला है इसे और ये आएगी सीधे 6 रनों के लिए हमारे कमेंट्री बॉक्स के ठीक सामने। बड़ा शॉट पोल का सुपर 6 यहां पर लगता हुआ कप्तान राहुल के बल्ले से। फुल टॉस बॉल थी, कीपर से छूटी और दक्ष काफी आगे तक दौड़ चुके थे, एक रन लेना चाहते थे। उठाकर खेला है, फील्डर वहां पर मौजूद हैं, उनके हाथ में कैच आ चुका था लेकिन उनसे छूटा, कप्तान राहुल का कैच। उठाकर मारा है दक्ष ने, फील्डर वहां पर मौजूद है और एक रन दौड़कर पूरा कर चुके हैं दूसरे रन के लिए दौड़ते हुए। और एक बार फिर से रन आउट, अंपायर ने टीवी रीप्ले का इशारा दिया है। तो सुपर ओवर में जैविक रॉयल्स बल्लेबाजी करने जब उतरी तो एक रन, एक ओवर में 9 रन बनाई और अब एसवी स्ट्राइकर्स को एक ओवर में 10 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए।
सलाह लेकर आए हैं ओवर जैविक रॉयल्स के लिए। और नो बॉल यहां पर इशारा मिलता हुआ अंपायर से और कैच भी वहां पर छूटा। फुल टॉस बॉल रही और इसका पूरा फायदा उठाया, पहुंचाया इसे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। पोल का सुपर सिक्स, अंकित का बहुत ही बढ़िया शॉट, फुल टॉस बॉल का पूरा फायदा उठाया। और अब 5 गेंदों में 3 रन। बॉल वहीं पर रुकी। हालांकि अगली बॉल सामना करेंगे अंकित, बहुत रोमांचक मोड़ ले चुका है ये मैच। और एक बार फिर से इसे उठाकर खेल दिया 6 रनों के लिए और एसवी स्ट्राइकर्स ने यह मैच जीत लिया है। एसवी स्ट्राइकर्स विजेता बनती हुई इतने रोमांचक मैच में, जो सबसे रोमांचक मैच रहा है अब तक इस सीरीज का।